तो यहाँ पे हमारा Node.js का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न पर काम करेंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को मोर स्केलेबल बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ। आप सर्च कर सकते हैं MVC आर्किटेक्चर। देखिए कोई भी एप्लीकेशन ना कोई आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है, और अगर आप Node.js की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन इसमें MVC पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। अब MVC क्या है, कैसे काम करता है, इसको आगे भी हम देखेंगे, लेकिन अगर आपको समझना है तो आप गूगल करके भी जो है इसके बारे में और आर्टिकल्स देख सकते हैं, काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिल जाएगा। MVC पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, इसकी मदद से आपको जो है क्लियर कट आइडिया रहेगा MVC क्या है, कैसे काम करता है। अब MVC में देखिए M है मॉडल के लिए। मॉडल में क्या होता है, जो भी इंटरेक्शन आपका डेटाबेस से रहेगा वो मॉडल हैंडल करता है। कंट्रोलर में क्या होता है, आपका बिजनेस लॉजिक होता है, यानी सर्वर का जितना भी कोड रहता है हम उसको कहते हैं कंट्रोलर। उसके बाद में होता है व्यू। व्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा UI लेयर होता है। अब हमारे केस में UI लेयर क्या है, हमारे केस में तो फिलहाल कुछ भी UI लेयर नहीं है क्योंकि हमारे पास रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन सेपरेटली है, तो हम उसको जो है एज अ व्यू अज्यूम कर सकते हैं। आप जो है Node.js में कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप EJS फिर हैंडल बार की मदद से, जो कि सेपरेटली Node.js के साथ में लाइब्रेरी से आती है, उसकी मदद से जो है व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आपके जो भी कंट्रोलर है ना उसको व्यू के साथ में इंटरेक्ट करवा सकते हैं। कैसे, हमारे केस में हम क्या करने वाले हैं, हमारे एप्लीकेशन को जो है तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। व्यू पार्ट तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, यानी व्यू का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा रिएक्ट नेटिव का पार्ट, तो वो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा स्टार्ट करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर और मॉडल वाले पार्ट पर काम करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए लार्ज स्केल एप्लीकेशन जब भी बनती है ना तो आपके काम को जो है डिवाइड कर दिया जाता है सेपरेट पार्ट्स में। तो MVC में कैसे काम होगा, कोई बंदा रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाएगा, कोई जो है कंट्रोलर में लॉजिक लिखेगा, और कोई हो सकता है डेटाबेस डिजाइन करेगा। हमारे केस में देखिए हम NoSQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है SQL डेटाबेस भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास टेबल की फॉर्म में डेटा रहता है, तो उसको हमको ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। और अगर वहीं पर हम NoSQL डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे हम जो है इसको बाद में भी स्केलेबल बना सकते हैं, यानी कुछ भी अगर चेंजेस रहते हैं, क्योंकि NoSQL डेटाबेस क्या होता है, जेसन का फॉर्मेट होता है, उसमें भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और की वैल्यू पेयर्स को आप जो है बाद में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर साथ ही में जो है उसमें चेंजेस करते जा सकते हैं। लेकिन अगर आप SQL डेटाबेस की बात करेंगे तो आपको स्टार्ट से ही जो है स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ता है, तो इसके बारे में और डिटेल में तो नहीं जाएंगे, अगर आपको देखना है तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिल जाएगा। हम भी क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को जो है MVC कंपैटिबल बना देंगे, यानी हम इसको स्प्लिट कर देंगे मॉडल व्यू और कंट्रोलर के अंदर। तो अभी जो हमारा करंट फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक क्लाइंट है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा व्यू हो गया। उसके बाद में हमारे पास सर्वर का फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारे पास रहेगा मॉडल और कंट्रोलर का फोल्डर। अब इसके अलावा भी इसमें बहुत से सब फोल्डर्स होते हैं। अब ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें उस एप्लीकेशन के अंदर है, तो हमारे केस में जितना भी हम यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोल्डर्स बना के रखेंगे। कहीं पर इससे ज्यादा भी यूज हो सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इसमें जो है पैटर्न चेंज आपको देखने मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है MVC पैटर्न ही देखने मिलेगा Node.js के साथ में। लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कोई ज्यादा फोल्डर बनाना पसंद करता है, कोई विद इन सेम फोल्डर जो है फाइल्स को यूज करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सर्वर के अंदर पहले शुरू एक न्यू फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स के लिए। तो आप लिखेंगे मॉडल्स, इसमें क्या रहेगा, अभी हम जो है NoSQL डेटाबेस देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर स्कीमा डिजाइन रहेगा, क्योंकि NoSQL डेटाबेस में हमको क्या करना पड़ता है, स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है कि क्या क्या फील्ड्स आप जो है डेटाबेस में रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर MySQL की बात करें तो वहां पे टेबल बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्वर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स क्या रहेंगे, ये रहेंगे कॉल बैक फंक्शंस, यानी जो हम नॉर्मल एरो फंक्शन लिखते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव करता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक यूज किया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ये जो हमने राउट पूरा लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करने वाले इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, राउट अलग फोल्डर में रहेंगे, उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन जो है हमारे अलग फोल्डर में रहेंगे, तो इससे हमारी एप्लीकेशन की जो है ना परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और हमारा लॉजिक एकदम क्लियर रहता है, हमको इजीली समझ में आता है कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, और इनकेस हमको डिबगिंग करना है तो उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। और ये नॉर्मल आर्किटेक्चर आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से, तो आप लिखेंगे राउट्स, इसमें हम सारे राउट्स यहाँ पर ऐड करेंगे। साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक और न्यू फोल्डर बना सकते हैं कॉन्फिग के नाम से, कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे डेटा रख सकते हैं, जैसे कि हम डेटाबेस का कॉन्फिगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे तो यहीं पे उसको क्रिएट करेंगे, और इसमें आप जो है मल्टीपल फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मिडलवेयर्स भी रह सकते हैं। सो
मिडलवेयर, मिडलवेयर किसको कहते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को मिडलवेयर कहते हैं। आप इसको भी जो है गूगल करके चेकआउट कर सकते हैं, मिडलवेयर क्या है, कैसे काम करते हैं। तो स्पेसिफिक सर्च करिए Node.js मिडलवेयर। इसके बाद में और भी जो है सब फोल्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि यूटिल्स के नाम से यूटिलिटी फाइल्स भी आप बना सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास डेटा की फाइल्स हैं तो आप डेटा के नाम से एक फोल्डर बना के उसके अंदर भी डेटा की फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इतने फोल्डर्स तो इनफ है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन आपको क्या मिलेगा इसमें, कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल्स और राउट्स, ये चारों आपको जो है कॉमन मिलेंगे। कोई भी आप Node.js के एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो इसमें जो है ये चारों फोल्डर आपको देखने मिल जाएंगे। अब इस राउट को स्प्लिट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करना है राउट के अंदर, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको कर देंगे टेस्ट राउट डॉट js। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट करना है एक्सप्रेस को, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो राउटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे const router इक्वल टू, इसमें एक्सप्रेस को इम्पोर्ट कर देंगे एक्सप्रेस, और जैसे डॉट लिखेंगे तो देखिए आपको राउटर का फंक्शन इसके अंदर मिलता है, इसको आपको सिंपली कॉल कर देना है। तो अब एक्सप्रेस का राउटर यहाँ पे इस राउटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है, इसका हम यूज कर सकते हैं। और नीचे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। तो राउटर को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया, आप कमेंट भी बना सकते हैं साथ में, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउट्स बना सकते हैं। अब ये जो राउट हमने सर्वर डॉट जे एस के अंदर बनाया था, सेम राउट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे राउटर, उसके बाद में डॉट लगाएंगे, सेम मेथड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। जैसे कि मैं गेट का मेथड यूज कर लेता हूँ, उसके बाद में हमारे पास होता है URL स्लैश रखेंगे, तो ये डायरेक्टली जो हमको होम पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ टेस्ट। टेस्ट के बाद में आप यहाँ पे भी कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक एरो फंक्शन बना सकते हैं। अब ये कॉल बैक है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन। अब देखिए डायरेक्टली लिखने से अच्छा है कि हम इसको जो है फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट कंट्रोलर डॉट js। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फंक्शन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट const, और इस फंक्शन का नाम मैं सेम रखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन है और ये है कर्ली ब्रेसेस। अब ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसमें भी हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज ऐड कर देता हूँ, मैसेज। मैसेज के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेस्ट राउट और सक्सेस इसमें कर देंगे हम ट्रू, तो सक्सेस ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली इम्पोर्ट करना है, कहाँ पर, टेस्ट राउट के अंदर। तो इतना कंट्रोलर यहाँ पे लिखने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट कंट्रोलर। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा राउट और कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद में हमको जो सर्वर में भी इसको बताना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो राउट है ना, इनिशियल राउट के बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, या फिर इससे पहले कर लेंगे हम, ठीक है। इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राउट्स को ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे ऐप डॉट यूज का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब राउट भी बता सकते हैं। सब राउट का मतलब क्या है कि जैसे ये स्लैश है, स्लैश का मतलब होम रहेगा। उससे पहले अगर आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करते हैं, API स्लैश v1 स्लैश, फिर उसके बाद में आप टेस्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली टेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, टेस्ट स्लैश टेस्ट है ना। तो फिलहाल मैं टेस्ट को रिमूव कर लेता हूँ, सिर्फ v1 तक हम रखेंगे। और उसके बाद में फिर आपको फाइल का नाम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो टॉप पे आप क्या करें, पहले शुरू राउट की फाइल को इंपोर्ट कर दें, इस .env config से पहले आप क्या करें, राउट्स की फाइल को भी इंपोर्ट कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट्स इंपोर्ट, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट टेस्ट राउट फ्रॉम, फिर आपको यहाँ पे जाना है .slash, फिर राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है टेस्ट राउट। और .js भी आपको लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर मॉड्यूल बेस अप्रोच देख रहे हैं। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेस्ट राउट को ऐड कर देंगे, कहाँ पे, इस API v1 के बाद में कॉमा लगा के आप इसको ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और हमारी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। अगर सब कुछ सही है तो हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो जाएंगी, और अगर कोई एरर आता है तो उसको फिक्स कर लेंगे। सो यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको cd सर्वर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run server, इतना लिख के एंटर प्रेस करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया है, टेस्ट राउट डॉट जेएस की फाइल इसको नहीं मिल रही है। चेक कर लेते हैं राउट्स के अंदर, देखिए यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको इसके बाद में जो है ना डॉट जेएस भी लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं डॉट जेएस ऐड कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। तो देखिए वापस से हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ब्राउजर के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट कर लेता हूँ। HTTP local host colon ETT slash API slash v1 slash test। तो इतना बड़ा हमारा API रहेगा, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट राउट बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है MVC कंपेटेबल बन चुकी है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, राउट के नाम से एक सेपरेट फोल्डर बनाया, उसके अंदर फिर टेस्ट राउट के नाम से एक फाइल बनाया, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो है एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया, फिर उसके बाद में राउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पर राउट्स को क्रिएट किया। राउट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे राउट्स का पैरामीटर हमने ऐड किया, यानी URL पाथ हमने ऐड किया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हम एक मीनिंगफुल नेम आगे देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास टेस्ट पर्पज के लिए हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है टेस्ट। उसके बाद हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया। अब डायरेक्टली कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लिखने से अच्छा हमने क्या किया, कंट्रोलर के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट किया क्योंकि हम MVC पैटर्न पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेस्ट कंट्रोलर के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसको हमने साथ ही में एक्सपोर्ट भी कर दिया ताकि हम उसको कहीं पर भी यूज कर पाए। उसके अंदर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है, और रिस्पॉन्स की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर सेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसके अंदर जो है जेसन रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया। फिर उसके बाद में राउट में वापस आके हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया, और इम्पोर्ट करते टाइम आपको क्या करना है, डॉट जेएस भी लिखना है। अगर आप डॉट जेएस नहीं लिखेंगे तो अभी हमको जो एरर आया था ना वो भी आपको देखने मिलेगा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल का आपको एरर देखने मिल सकता है। सो मेक श्योर क्रॉस चेक करें, यहाँ पे डॉट जेएस भी आपको लिखना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो फिर आपको जरूरत नहीं है डॉट जेएस लिखने की, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ना मॉड्यूल बेस्ड, सो इसीलिए हमको जो डॉट जेएस भी लगाना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऑटो इम्पोर्ट का एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं ना तो उसमें डॉट जेएस ऑटोमेटिकली नहीं आता है, आपको मैनुअली जो है डॉट जेएस लगाना पड़ता है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्फिग्रेशन की सेपरेट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बिगिनर्स के लिए, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इन फ्यूचर देखते हैं, बाद में हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। सो आई होप यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, और MongoDB भी डेटाबेस पे आप एडवांस में जाके भी जो है अकाउंट बना सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है Node.js की एप्लीकेशन को तो वो हम नेक्स्ट देख लेंगे।